दोस्तों, आपने वर्म होल के बारे में जरूर सुना होगा, जो समय और सीमा से परे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस हो या टाइम ट्रेवल हो, यहाँ तक कि यूनिवर्स ट्रेवल ही क्यों ना हो, वर्म होल एक ब्रिज की तरह काम करता है और पलक झपकते ही एक ओर से दूसरी ओर किसी जादुई पोर्टल की तरह टेलीपोर्ट कर देता है। इसी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन रोजन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कुछ साइंटिस्टों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने वर्म होल को लैब के अंदर ही क्रिएट कर लिया है, लेकिन उन्होंने ये किया कैसे, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क है। मारिया स्पिरोपुलू ने अपने टीम के साथ गूगल के क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर की हेल्प से वर्म होल बनाने के लिए 7 जोड़ी क्वांटम इंटेंगल्ड क्यूबिट्स को लिए और उन्हें एक पैटर्न में अरेंज किया और इससे इंटेंगल्ड क्यूबिट्स को इससे कुछ दूर सेपरेट कर दिया। तो एक अलग क्यूबिट पार्टिकल को लिया गया और उस 7 क्यूबिट्स के सामने लाकर उन 7 का स्पिन एक साथ उल्टा कर दिया। अब मारिया स्पिरोपुलू को मिले रिजल्ट से सब हैरान रह गए। उस 7 क्यूबिट्स का स्पिन उलटते ही वह क्यूबिट्स वहां से गायब होकर दूसरे 7 क्यूबिट्स के पास टेलीपोर्ट हो गया और वर्म होल को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया गया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एक सवाल कि बहुत से वैज्ञानिकों ने तो कहा था कि वर्म होल बनाने के लिए हमें अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंटीमैटर, नेगेटिव एनर्जी और भी बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वर्म होल आखिर बना कैसे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, जो वर्म होल बनाया गया है यह होलोग्राफिक वर्म होल है जो क्वांटम लेवल पर बनाया गया है और हमारे पास स्पेस टाइम फैब्रिक में वर्म होल बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है।